अब हम आए हैं कैफे पर, है। हमारी कमजोरी कॉफी एंजॉय करने के लिए। कमॉन ये इन्होंने तकिया कलाम कर दिया कमॉन कमॉन बोल के। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और हम हैं इस वक्त लेह में और ये देखिए नज़ारे सुबह सुबह। एक्चुअली 9:30 बज गए हैं, सुबह सुबह तो नहीं है। और इस रूम में हम रुके हुए थे, ये रूम है हमारा डेजर्ट फार्म होटल में। तो रूम टूर करवा देता हूँ पहले। दिस इज़ द एंट्रेंस, दिस इज़ द वाशरूम एंड दिस इज़ द रूम। सब फैला के रखा हुआ हमने। एंड दिस इज द विंडो वेयर यू कैन सी द मोनेस्ट्री एंड बिहाइंड द माउंटेंस। तो आज का जो प्लान है वो है लोकल ले साइट सीइंग का अगेन, जहाँ पे हम कवर करेंगे शांति स्तूपा, ले पैलेस एंड यहाँ की लोकल मार्केट। सो रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, देन निकलते हैं लोकल ले साइट सीइंग के लिए। क्यों भाई, चला जाए? तो निकलते हैं थोड़ी देर में। वो एक्चुअली ये जगह लेह का ओल्ड बस स्टैंड है, यहाँ पर आपको टैक्सी बाइक्स कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे बाइक्स के डीलर्स हैं बहुत सारे, जो पर डे के रेंट के हिसाब से आपको बाइक यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड ले मार्केट का। सो गाइस चलो छत पर चल के देखते हैं भाई व्यू कैसा है छत पर से। तो भाई मैं आ गया इस होटल की छत पे और भाई ये व्यू है, ये बस स्टैंड सुबह दिखाया था। और भाई इस तरफ ये जो दिख रहा है ये है शांति स्तूपा। और भाई उधर ऐसा कुछ व्यू है लद्दाख सिटी का यहाँ से। और भाई ये जो दिख रहा है ना टैंक, तो ये टैंक है भाई, ये काम आते हैं पानी गर्म करने के। ये सोलर एनर्जी यहाँ यूज होती है, इसमें जो पानी है इसको गर्म करने के लिए। और फिर ये होटल्स के जितने भी बाथरूम हैं उनमें सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ऐसे दो हैं यहाँ पे, पूरे लद्दाख के सभी होटलों में ये सिस्टम है पानी गर्म करने का। तो भाई ये जो टैंक है ना ये हीट इंसुलेटेड है, तो रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है यहाँ, फिर भी सुबह इसका पानी थोड़ा गर्म ही रहता है। आज हम लोकल ले मार्केट की साइट सीइंग कर रहे हैं और अभी हम आए न्यू वजवन प्लेनेट रेस्टोरेंट पे। यहाँ से अभी भी लंच करेंगे। हमने ऑर्डर किया पनीर बटर मसाला एंड बटर रोटी, देन चलेंगे यहाँ से रूम पे। और शाम के लिए बाइक, कल के लिए बाइक हायर करनी है। फ़ोन करें सर, उसको फ़ोन करेंगे अभी। स्टैंडिन को फ़ोन करेंगे, को फ़ोन करेंगे अभी जिसने पहले बाइक दिलवाई थी। तो गाइस आफ्टर कंप्लीटिंग द लंच अब चलते हैं हम रूम पे। तो गाइस अब जा रहे हैं हम शॉपिंग करने ले मार्केट में, देखते हैं क्या क्या सोवेनियर्स हम यहाँ से ले सकते हैं।
हो जाए फिर एक। सो गाइस अब हम आए हैं कैफे पर, कम ऑन है हमारी कमजोरी कॉफी एंजॉय करने के लिए। कम ऑन कम ऑन ये कम ऑन ये इन्होंने तकिया कलाम कर दिया कम ऑन कम ऑन बोल के। चलो सो लेट्स एंजॉय द कॉफी। एंजॉय कॉफी। जून में आ जाएंगे, जून में आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम। हमारा दोबारा प्लान बन गया। अच्छा बाइक पे फिर ऐसा मौसम हो जाएगा दोबारा। सो गाइस भैया हमें बता रहे थे अगस्त में जमना शुरू होता है। अभी हुआ था स्नोफॉल हुआ था हल्का सा। मैं कह रहा हूँ अभी स्नोफॉल हुआ था अभी हल्का सा। आज स्नोफॉल हुआ था बड़ा गिरा था ऊपर गिरा होगा ना। अभी तो थोड़ा सा बारिश जैसा हो गया ऊपर में गिरा होगा खरदुंगला में गिरा होगा। हाँ पहाड़ में गिर जाता है। सो गाइस दिस इज वेरी नाइस कैफे। यू कैन सी डेकोरेशन एंड ऑल दैट एंड वेरी नाइस पीपल एंड कैफे। सुनो ये भी क्वालिटी जबरदस्त है यार। सो गाइस आफ्टर एंजॉयिंग द कॉफी नाउ वी आर इन ले मार्केट एंड यहाँ से आप बहुत सारे सोवेनियर्स अपने जब आपका ट्रिप एंड हो जाए तब अपने दोस्तों के लिए ले जा सकते हैं। एंड सात बजे के बाद ये मार्केट बंद होना शुरू हो जाता है मतलब कतई मेरे यार। सो आप पाँच बजे यहाँ पर आ जाएं वो बेस्ट टाइम है इस मार्केट में घूमने के लिए। सो गाइस ये अपने दिल्ली में कनॉट प्लेस जैसा है और ये देखिए टाइल्स लगी हुई हैं तो ऐसी अमृतसर में भी ऐसी ही है। अमृतसर में गया था मैं तो वहाँ की भी मार्केट ऐसी है गोल्डन टेंपल के आसपास। तो बहुत ही सुंदर व्यू इस मार्केट का। बहुत सारी आर्ट गैलरी सुवेनियर शॉप्स कैफे इस मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो हम लोगों ने भी कुछ सुवेनियर्स यहाँ से लिए हैं कुछ लद्दाख की मेमोरीज के लिए। एंड कैसी लगी आपको ये मार्केट ये आप बताना कमेंट्स में और व्लॉग पसंद आ रहे तो भाई लाइक कर देना व्लॉग्स को। और सो गाइस दैट्स ऑल इन टुडेज़ व्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें हम जाएंगे संगम पॉइंट तक और पत्थर साहिब गुरुद्वारा अलकाई माउंटेंस और मैग्नेटिक हिल्स तक। तो वो व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन पीस।